जय जिनेंद्र, आज हम बनाएंगे टाकोस चाट। इसमें हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए देखते हैं। जैसा हमने महारानी चाट के लिए मसाले बनाए थे, उसी तरीके से आप मसाले बना लें। आपकी इसमें जो सुविधा हो, आप वो वाला मसाला बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वाले मसाले बनाएं, बस आपको इसमें एक शेल बनाना है जो हमने मैदे की पूड़ी से बनाया है। बस इस तरह शेल में आप सारे मसाले भर दें। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाना है, आपको जैसी सुविधा हो, जिन चटनियों की आपके पास हो, आपके पास अवेलेबल, वो वाली चटनियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम कच्चे केले से मसाला बनाएंगे, उसके छिलके निकाल कर और उसमें जो हमने मसाला डाला है, इस तरीके से हमने गेहूं मसाला का आटा बनाना है है। मर्यादित पिसा हुआ धुला हुआ, उसको हमने थोड़ा सा एक कटोरी आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा मोइन डाला है, जैसे हम समोसे बनाते हैं ऐसा मुट्ठी बनने जितना मोइन बनाकर। और जो पपड़ी बनाते हैं हम अपने गेहूं के आटे की मैदे की, उस तरीके से हमने गोल पपड़ी बनाई है। और उस गोल पपड़ी को तलते हुए हमने जब दो पलटे तल लिए हैं, तब नरम नरम ही उसको ऐसे आधा फोल्ड करके इस तरीके से हमने उसको बना लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये टाकोस के शेल बनाए हैं, तो इस तरीके से हम इसमें जो हमने ये मसाला हमारा तैयार किया है, ये मसाला हम इसके अंदर भरेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके अंदर नीचे जो हमारा शेल है इसके ऊपर इस तरीके से हम थोड़ी सी इमली की चटनी लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो हमारा ये केले का मसाला है इसको हम इसमें प्रॉपर थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे ताकि सब जगह थोड़ा थोड़ा सा लग जाए। देखिए इस तरीके से हमने इसमें ये मसाला लगा दिया। अब इसके अंदर हम ये थोड़ी सी हमारी जो चॉप की हुई शिमला मिर्ची है बारीक, ये इसके हम थोड़े से टुकड़े डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें कुकुम्बर डाल देंगे। और जो ये हमारा मसाला बना हुआ है मिक्स वाला, मिक्स ग्रेन का हेल्दी, ये मसाला बहुत हाई प्रोटीन डाइट है, इसमें कोई ऑयली भी नहीं है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं, शाम को आप जो हाई टी के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे बच्चों को ज़्यादा शाम को खाने का मन नहीं होता है, तो उसमें इस तरीके से आप हल्का फुल्का बना लें तो हेल्दी भी है ये और टेस्टी भी है। तो इससे बच्चों को कभी बाहर के खाने की आदत नहीं रहेगी, उनको घर में ही जब टेस्टी खाना मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नारियल का बूरा भी अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसमें ये पाउडर भी रख देंगे हमारा सिंगदाने का, दो चार पीस हम अंगूर के इसमें डाल देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ये हमारा जीरामन पाउडर, जिसको हम इस तरीके से डालेंगे तो ये बच्चों को बहुत टेस्टी टेस्ट देता है। और देखिए इसमें हमने अभी चने का मसाला डाला है, ये जो हमारे दालें हैं अभी इसके साथ में, अभी हमने इसमें एक बार फिर से थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दी है। देखिए इसमें ना जो खट्टा और चटपटा टेस्ट जो आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने इसमें थोड़ी सी ये इमली की चटनी डाल दी है, हम थोड़ा सा और ही बुरबुरा देंगे। थोड़ा सा हम नमकीन डालेंगे इसके अंदर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसा। और केले की चिप्स डाल देंगे हम, और ये जो हमारी स्लाइस है ये इसे स्लाइस रख देंगे हम, एक स्लाइस और हम डालेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा। और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से इसको एक प्लेट में इस तरीके से सजा लेंगे। हमने नींबू इसमें अंदर मिक्स कर दिया है, और अगर ज़्यादा चाहिए हमें तो हम थोड़ा सा इसमें सा नींबू की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऐसा गार्निशिंग के लिए नारियल डाल देंगे, एक पीस डाल देंगे। यदि हमारे पास मटर अवेलेबल हो, हरी मटर, तो हम वो भी इसमें डाल सकते हैं। हरा चना अवेलेबल हो तो वो भी हम डाल सकते हैं इसमें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, दिखने में इतना सुंदर लग रहा है उतना ही ये टेस्टी भी लग रहा है। तो आप इसे इस तरीके से अवश्य बनाइए घर में, और बच्चों का जब मन खुश रहेगा तो वो बाहर के खाने की इनको याद भी नहीं आती है। देखिए बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें पूरा प्रोटीन है और हमारा कच्चा सलाद है, ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए।
इसी तरह देखिए हम एक जो हमारा एक शेल और बचा हुआ है हम इस शेल में, इसमें भी हम इस तरीके से पहले हम इमली की चटनी थोड़ी सी लगा देंगे। और अब जो हमने इसमें केले का मसाला बनाया है ये इसमें स्टफ करेंगे। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम। ये जो हमने केले का मसाला बनाया है इसी को आप थोड़े से हाथ में ऐसे लेकर और उसकी ऐसे बॉल बना लीजिए और अपने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के या फिर घी डालकर इसको आप तवे पे थोड़ा सा करारा सेक सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी टिकिया बन जाती है। और ऐसे इस टिकिया जो टिकिया आपकी क्रिस्पी बन जाएगी आप उस टिकिया को भी इसके अंदर ऐसा लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी हम इसमें ये वाला मसाला ही फील करेंगे। अब इस मसाले के साथ हम इसमें फिर से ऐसे ही गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा सा नारियल डालेंगे, थोड़ा सा कुकुम्बर डाल देंगे, एक दो पीस हम शिमला मिर्ची के डालेंगे, थोड़े से अंगूर डाल देंगे हम और हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अंदर। ऊपर से हम फिर से इसको रखेंगे, नारियल डालेंगे। अब देखिए इसमें हमने चने वाला ये मसाला नहीं डाला है क्योंकि इसमें अभी हमको इसमें क्रीम का टेस्ट लेना है। ये क्रीम जैसे हम बाजार का चीज़ नहीं खाते, बच्चों को चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है हम घर में गीले नारियल की चटनी बनाएं जिसमें आप सिर्फ नमक डालें तो यह बिल्कुल वैसा ही क्रीमी टेस्ट देता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। चीज़ दिखता है ना जो बच्चों को लुभावने डेकोरेशन के दिखते हैं तो उनको देख के बच्चों को खाने की इच्छा होती है, तो हम उन्हें ऐसे ही घर में डेकोरेशन करके खिलाएंगे तो बच्चों को बाहर के खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए हम इसमें ये वाला नमक में ऐसे बारीक बारीक टुकड़े उसके करके और इसके अंदर ऐसा लगा देंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत टेस्टी लगता है। देखिए दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, नारियल भी सेहत के लिए अच्छा होता है हमारा और टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है उसका। तो देखिए ये हमारा हो गया तैयार, इसमें हम एक दो देखिए हम इसको ऐसा थोड़ा सा डिजाइन में डाल देंगे, ये दिखने में अच्छा लगेगा। हम इसको चाहें तो एक कोन का कोन बनाकर और उससे भी हम इस तरीके से इसमें डिजाइन बना सकते हैं। देखिए अब इसको हम इस तरीके से प्लेट में सजा देंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन करेंगे क्योंकि ऊपर बड़ा खाली खाली लग रहा है। इसके साथ हम आसपास इसी तरीके से जो हमारी देखिए बच्चों को अगर हमने थोड़ा सा उनके टेस्ट का हमने चटपटा खाना खिलाया लेकिन साथ में हमें उन्हें उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है तो उन्हें सैलेड भी देना पड़ेगा। ऐसे आप देंगे तो शायद ही बच्चे कुछ खाते हैं कुछ नहीं भी खाते हैं, यदि आप उन्हें इस तरीके से डेकोरेट करके खिलाएंगे तो बच्चे आपका सैलेड भी खा लेंगे और उनका खाने का वो भी पूरा हो जाएगा, उनके मनपसंद चीज़ भी हो गई और हमारा भी स्वार्थ पूरा हो गया उन्हें अच्छा टेस्टी खाना खिलाने का। बस थोड़ा सा इस पर इमली की चटनी भी एक दो स्पॉट डाल दीजिए और देखिए ये आपकी तैयार है। देखिए तो ये हमारी देखिए तीनों रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। आप इसके ऊपर चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं ऊपर से। यदि आप ऑयली नहीं खाना चाहते हैं और आपके पास टैकोस शेल नहीं बना है तो भी आप इसको बना सकते हैं।
आप इसी तरह सेम प्रोसेस से इस तरह रोटी के अंदर मसाला भर लीजिए पूरा, और इसे धीरे से गर्म तवे पर रखकर सेक लीजिए क्रिस्पी कड़क। अब चाहें तो आप इस पे ऑयल डालें, और चाहें ऑयल या घी से उसको रख लें, या फिर आप उसे बिना ऑयल के भी सेक सकते हैं। देखिए आज मैं आपको ये बिना ऑयल के सेक के बता रही हूँ कि बिना ऑयल के भी हम इसे सेक सकते हैं। ये वैसा ही क्रिस्पी लगेगा, बस ऑयल डालने से उसका थोड़ा सा चेंज और क्रिस्पीपन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। इसे भी हम अपने मन चाहे जैसा हम चाहते हैं हम वैसा इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चटनी वगैरह लगाकर। देखिए चीज़ वही है, सिर्फ उसको बनाने का थोड़ा सा हमने तरीका चेंज किया। इसी हम टाकोस जो हमने शेल बनाया था उसको बोला है, लेकिन ये इसी तरह रोटी से हम बनाते हैं। इसे कैसे डीला कहते हैं, फॉरेन में इन्हीं हमारी इंडियन डिशों के नाम को चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी डिश होगी, लेकिन यदि हम उसे देखेंगे और घर में बना लेंगे तो हम इसे आराम से बना सकते हैं। और बच्चों को इस तरीके से लुभावना नाम होता है तो उन्हें खाने में रुचि ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको भी डेकोरेट कर लें चटनियों के साथ। आपके पास जो चटनी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी ये अभी अभी बनी है इसलिए मैंने ये सारी यूज़ की है। आप अपने चॉइस के हिसाब से चटनियाँ बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। ऊपर से आप चाट मसाला या लाल जीरा मंड जो भी आप ऊपर से बुरकते हैं तो इसका ऊपर कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से ऊपर से इस पे थोड़ा सा जरूर डालें। जब आप इसे सर्व करें, एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप सर्व करें तब इस पे हल्के इसको डेकोरेट करने से पहले इसके ऊपर थोड़े से कट लगा दें इस तरीके से, ताकि जब कोई खाए तो उसे इजीली उसको उठाने में आसानी रहे, और उसके बाद फिर ऊपर से डेकोरेट कर दें। तो दे तो लीजिए तैयार है ये कैसे डीला टाकोस चाट। जय जिनेंद्र।